हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज मैं आलू का हलवा बनाऊंगी। उसके लिए मैंने दो छोटी कड़छी ये वाले देसी घी ले लिया है और ये गरम हो रहा है सिम गैस पे। थोड़े से बादाम है और थोड़ा सा गोला काट लिया है। 15-20 किशमिश है ये, एक छोटी कटोरी शक्कर है, दो छोटी इलायची हैं और ये थोड़े से आलू हैं उबले हुए। इन्हें आलूओं को इसी में फोड़ के डालूंगी। आप इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हो क्योंकि अपने आप सारे घुल जाएंगे इसमें भूनते टाइम। और इसे हम जब तक भूनेंगे जब तक ये एकदम लाल ना हो जाए, उसके बाद हम सारा सामान इसमें बाद में डालेंगे। सबसे पहले हमें इसे भूनना है। जैसे हम सूजी भूनते हैं घी में, वैसे ही हम आलूओं को भी भून लेंगे अच्छे से। दोस्तों आलू भुनने लग गया है हमारा, लाल होने लग गया है। इसमें आप चीनी डाल के भी बना सकते हो हलवे को। आलूओं ने घी छोड़ दिया, जैसा हम सूजी या दाल का हलवा बनाते हैं घी छोड़ देता है भुनने के बाद, आलूओं ने भी घी छोड़ दिया और ये भून चुके हैं अच्छी तरह। इसमें मैं इलायची दो कूट के डाल देती हूँ, ऐसे आप पाउडर करके भी डाल सकते हो। और जो बादाम और गोला है किशमिश, इसमें मिक्स कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो ड्राई फ्रूट इसमें। हल्की सी किशमिश फूल जाएगी फिर हम इसमें शक्कर डालेंगे। ये मेरे 200 ग्राम उबले हुए आलू थे, एक जने के लिए ही बना रही हूँ मैं। और ये एक छोटी कटोरी शक्कर थी तो इसमें से आधा ही डालूंगी मैं, नहीं तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं आलूओं का हिसाब देख के। आलू का हलवा तैयार है।